स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब हमने ये ठाना है हर सखी को सशक्त बनाना है, ये संकल्प है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प, ये संकल्प है राजस्थान सरकार का संकल्प, ये संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का संकल्प, ये संकल्प है हम सब का संकल्प। और राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर का JECC सीतापुरा का ये सभागार ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार राजीविका द्वारा आयोजित सखी सम्मेलन, आज के सभागार में उपस्थित सभी सखियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारी सभी सखियों का। हमारे बीच हैं श्री कुंजीलाल मीणा जी, महानिदेशक IGPRS, आप भी उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और माननीय हमारी सभी सखियों का अभिवादन स्वीकार कर प्रफुल्लित मुद्रा में एक बार पुनः मंच पर आपका आगमन। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन मानी। और आइए एक बार फिर माननीय का स्वागत तालियों से और हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय अस्वस्थ होने के बावजूद उनके मन में बेहद संवेदनशीलता, बहुत चिंता है हमारी सखियों की और बहनों की, आज आपके साथ रूबरू हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे साथ मंच पर हैं माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, हमारे बीच हैं मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी, हमारे बीच है श्री कुंजीलाल मीणा जी महानिदेशक IGPRS, हमारे बीच है श्रीमती मंजू राजपाल जी। हम सब सखियों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए, हम सबकी पैरवी के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अब आज का ये ऐतिहासिक समारोह, ऐतिहासिक दिन, सखी सम्मेलन, विनम्र अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी इन सखियों को अपने उद्बोधन के माध्यम से, अपने उत्प्रेरण के माध्यम से आशीर्वाद प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे मंत्री जी रमेश मीणा जी, चीफ सेक्रेटरी महोदय श्रीमती उषा शर्मा जी, ACH पंचायत राज और ग्रामीण विकास अभय कुमार जी, डायरेक्टर कुंजीलाल मीणा जी, सेक्रेटरी मंजू राजपाल, सेक्रेटरी पंचायत राज रवि जैन, श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, आयुक्त रश्मि गुप्ता, डायरेक्टर रणजीत सिंह जोधा जी, महिला निधि बैंक के मैनेजर, और यहाँ आई हुई राजीविका के परिवार की तमाम मेरी बहनें और बेटियों, और तमाम बीचियों को कॉन्फ्रेंस जुड़ी हुई, तमाम राजस्थान भर से जो हमारे प्रदेश वाले सुन रहे हैं वो भी है, हमारी राजीविका की बहनें भी हैं। मुझे खुशी है कि आज एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। रमेश मीणा जी ने भी आपको बहुत ही दिल की बात कही, क्या क्या इसके राजीविका के बनने के बाद में जो माहौल बना राजस्थान के अंदर, उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं पहली बार मुख्यमंत्री था 98 के अंदर, उस वक्त में उषा शर्मा जी अजमेर की कलेक्टर थी, तब पहली बार सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे, पर ये नहीं सोचा गया था कि वो जो स्वयं सहायता समूह जो है बन रहा है अजमेर के अंदर,
वो धीरे धीरे 15-20-22 सालों के अंदर एक क्रांतिकारी रूप ले लेगा। ये आप जो समूह चला रहे हैं और मंत्री जी ने अभी व्याख्या की किस प्रकार की दिक्कत आती थी महिलाओं को, आज हमारी बहनें और बेटियां जो है कितने कॉन्फिडेंस से काम कर रही है, उनका नजरिया, उनके बातचीत का ढंग, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी दूरदर्शिता जो बात करते हैं झलकती है। अभी मैं बाहर जब आपके स्टॉल लगे हुए थे तो मैं तमाम स्टॉलों में गया, अलग अलग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बातचीत मैंने करी सभी बहनों से। मुझे बहुत गर्व हुआ कि राजस्थान की गांव की बहनें किस प्रकार से अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विभिन्न काम कर रही है, और जो आप लोगों ने सिस्टम बनाया है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मुझे खुशी है कि अभी कई लोगों के अवार्ड दिए गए, सम्मानित किया गया। सखी के नाम से आज सखी सम्मेलन तो ही है, पर अलग अलग विभागों के काम ग्रामीण महिलाओं का आपस के अंदर बांटना और एक दूसरे को कॉपरेट करना, सेव करना, तो सहकारिता की भावना, कॉपरेटिव भावना के आधार पर आप काम कर रही हैं, एक दूसरे का दर्द समझती हैं, इसीलिए लोन लेती हैं, समय चुकाती भी है। मैं चुकाऊंगी तो ही मेरी दूसरी बहन के काम आएगा, उनको लोन मिल पाएगा। ये जो कॉपरेटिव की भावना आपकी है, कॉपरेशन की भावना है, ये राजीव गांधी के कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। और ये भावना, इन भावना के माध्यम से आपका अपर मिलना, प्रबंधन करना आपको, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी महिलाओं क्रांति हो रही है राजस्थान के अंदर, महिलाओं के भूमिका को लेकर के किस प्रकार से महिलाएं समाज को बदलाव करने में अपनी भूमिका निभा रही है। गांव में आप जानते हैं घूंघट में महिला रहती है, और मैं कई बार कहता हूँ भाषणों के अंदर भी कि हम एक अपनी बहनों को घूंघट में कैद रखते हैं जिंदगी भर, तो वो उसकी जो पर्सनैलिटी है, जो उसका व्यक्तित्व है, जो महिला शक्ति है, उसका उपयोग समाज में काम नहीं आ पा रहा है। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने संविधान में संशोधन करने का निश्चय किया। उसके पहले गांव में ना सरपंच बन सकती थी महिलाएं, ना प्रधान, ना प्रमुख, ना शहर मेयर बन सकती थी, ना पार्षद बन सकती थी। वो ऐसा क्रांतिकारी कदम हुआ, उसके बाद में आप देख रहे किस प्रकार से आज महिलाएं घर से बाहर निकल के स्वयं सहायता समूह चला रही है कामयाबी के साथ में। और ये आंकड़ों के मामले नहीं है, मंत्री जी बता रहे थे आपको भी, 43 लाख महिलाएं जुड़ी, 43 लाख महिलाएं जुड़ी इस काम से, 43 लाख महिलाओं को जुड़ना, 3,60,000 के समूह बनना। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने ज्यादा ध्यान दिया। पिछली गवर्नमेंट के वक्त में करीब 96,000 ये ग्रुप बने हुए थे एस एच जी के, वर्तमान सरकार ने आपके आशीर्वाद से 2,10,000 समूह बनाए। पिछली गवर्नमेंट वक्त में लगभग 400 करोड़ रुपए का लोन दिया गया, हमारी गवर्नमेंट करीब 3,500 करोड़ का लोन दे रही है। इतना बड़ा फर्क है, उसी ढंग से गतिविधि बढ़ रही है राजस्थान के अंदर। और मेरा मानना कि इस बार मुझे बताया गया 5 लाख महिलाओं को और जोड़ने का आपने लक्ष्य बनाया है, मैं उम्मीद करता हूँ वो लक्ष्य पूरा होगा। राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव बैंक, उसकी शुरुआत आपने कर दी है, डेयरी की शुरुआत आपने कर दी है। मैंने देखा आपकी एक्टिविटी को, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि किस प्रकार से हमारे प्रदेश की महिलाओं ने आगे आकर के अपनी क्षमता का परिचय दिया है। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, महिला जो आती है मीटिंगों के अंदर धीरे धीरे घूंघट अपना आप ही ऊपर हो जाता है, होना भी चाहिए। जब पहली बार चुनाव हुए, गांव में सरपंच बन गई महिला, सरपंच बनने के बाद मीटिंग जाती थी तो पतिदेव के साथ बैठते थे, पत्नी तो घूंघट में है और पतिदेव जो है वो आके बैठते थे, कई बार हमारी मीटिंग में आके बैठते थे स्टेज पर। पूछते मीटिंग के बाद आई, आप सरपंच आई पत्नी है वो नीचे बैठी, आप ऊपर आके कैसे बैठ गए हमारे साथ में? तो पति कहते हैं नहीं, मैं सरपंच पति हूँ,
तो मैं कहता हूँ सरपंच पति, प्रधान पति, प्रमुख पति, नई पोस्ट क्रिएट कर दी आप लोगों ने। और धीरे धीरे महिला जो है घूंघट में बैठती थी, पहले बोलती नहीं थी पति के सामने, अब धीरे धीरे महिला कहने लगी आप घर पधारो मैं अपना काम संभाल लूंगी। इतना बड़ा फर्क पड़ गया। और ये जो फर्क पड़ा है, राजीव भी कहा है, इसको मैं इस रूप में देखता हूं कि महिलाओं का हौसला बुलंद हो गया है देश के अंदर। महिलाओं का हौसला बुलंद हो गया है, महिलाएं अपने कैपेसिटी जानती है। पुरुष और महिलाओं का सम्मान बराबर होता है समाज के अंदर, होना चाहिए। पर पुरुष प्रधान देश रहा है, प्रदेश रहा है, यदि पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा रहा महिलाओं पर, बगैर पुरुषों को पूछ के कोई काम नहीं करते, हमारे संस्कार अच्छे हैं, तो धीरे धीरे महिला समझ गई है। मुझे तो संविधान में अधिकार दिया है, कानून बना था पार्लियामेंट में संविधान के संशोधन के बाद में, तो संविधान ने मुझे जो अधिकार दे दिया है, अधिकार के मैं उपयोग करना चाहूंगी समाज के हित के अंदर, प्रदेश के विकास के अंदर। तो मैं आपके कामों को देखता हूँ, राजस्थान का जो विकास हो रहा है चौमुखी विकास हो रहा है, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, पानी की योजना बन रही है, बिजली की योजना बनती है, सड़कें बन रही है शानदार, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं 1,000 रुपये प्रति माह। 1 करोड़ लोगों किसे कहते हैं, विधवाओं को, एकल नारी को, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, ये भी बहुत बड़ा फैसला है। मिनिमम मैंने पहले 750 रुपये थे, 500 रुपये थे, अब हमने कर दिया सबको हमें कम से कम 1,000 रुपये मिलेगा प्रति माह मिलेगा। इस प्रकार से जो फैसले हमने किए हैं उस पर राजीव गांधी की बहने जो है, जिन्होंने गांव में माहौल बनाया है समाज के अंदर, उसकी बहुत बड़ी भूमिका मैं मानता हूँ। अच्छी मार्केटिंग होती है, जो सामान बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, वो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस काम को मैं चाहूंगा आने वाले वक्त के अंदर सरकार और बड़े रूप में इसको बढ़ाए और महिला को जोड़े। 5 लाख का लक्ष्य रखा है, धीरे धीरे मैं चाहूंगा राजस्थान भर के अंदर, राजस्थान देश के अंदर टॉप पे आ जाए, नंबर 1 पे आए। आप सबके सहयोग से ये मेरा सपना रहेगा। और मैंने कहा 2030 तक, 2030 तक राजस्थान देश में नंबर 1 राज्य की श्रेणी में आए, तो ये उसमें राजीविका का बहुत बड़ा योगदान होगा। अभी आप सोच लीजिए कि आपको 2030 तक आपको क्या सपना आपका है, क्या आप सोचते हैं क्या होना चाहिए, क्योंकि अब आपके अधिकारी बैठे हुए हैं और आपके जो आपने जो ढांचा खड़ा कर रखा है उसमें भी मैं समझता हूँ कि अनुभव है। उन तमाम हमारी जो बहने हैं, उन तमाम बहने जो है, चाहे वो आप बताइए सखी आपने बनाई, पुरुष सखी अलग बनाई है, कृषि सखी अलग बनी है, बैंकों का काम करने के लिए अलग सखी बनी है, और डिजिटल पेमेंट के लिए अलग सखी बनाई गई है, पुलिस को सेव करने के लिए, जिसे महिला पे अत्याचार अन्याय उत्पीड़न नहीं हो गाँव के अंदर, उसके लिए सुरक्षा सखी बनी है, योजना सखी अलग बनाई गई है, उद्यम सखी बनी है, और साथ में कंप्यूटर कम्युनिटी रिसर्च पर्सन बनाया आपने, कम्युनिटी बुक कीपिंग हिसाब किताब रख सके उसके लिए अलग व्यवस्था की है, क्लस्टर मैनेजर अलग बनाया है, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर अलग बनी है आप में से, डाटा एंट्री करने वाली सही अलग है, और विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट VOA बुक कीपर अलग है, मास्टर ट्रेनर अलग है, लघु उद्योग सलाहकार की सेवा ले रहे हैं आप, वन धन सही अलग है। ये जो ढांचा खड़ा किया ये अपने आप में मैं समझता हूँ आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, ये ढांचे के आधार पर आप कामयाब हो रही हैं। इसलिए मैंने कहा आपके सहयोग से हम चाहेंगे राजस्थान में समाज में क्रांति आए, बदलाव आए, महिला पुरुषों का अधिकार बराबर हो, महिलाओं को समाज सम्मान पूरा मिले। हमारी सरकार की नीति भी है, ये तो सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा मिले सबको, परिवार को,
और दूसरा जो है शिक्षा के साथ साथ में अधिकार पूरा मिले उनको, उस रूप में हमारी योजना जो आई है, लंबी लिस्ट है, मैं आपको बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। 5-7 योजना जो है, महिलाओं का किस प्रकार से सशक्तिकरण हो, दिशा में जो कदम उठाए हमने, ये जो महिला नीति लागू की हम लोगों ने नई, और दूसरा जो राइट टू एजुकेशन का कानून बना था पार्लियामेंट के अंदर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने बनाया था, 4 कानून बने थे, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, अब तो गेहूं भी फ्री मिल रहा आपको। बैंगलराज शिविर में हम लोगों ने योजना बनाई थी और उससे हम पैकेट दे रहे हैं हर महिला को, योजना का नाम क्या है, अन्नपूर्णा योजना, देखा होगा आपने, तमाम राशन की दुकानों से आपको प्रति माह जो एनएफएस महिलाएं हैं उन सबको 1 किलो तेल, 1 लीटर तेल, 1 किलो दालें, 1 किलो शक्कर, मिर्च मसाले, सब कुछ दिया जाएगा, प्रति माह दिया जाएगा। ये हमने तय किया कि महिलाएं महंगाई की मार सबसे अधिक, महंगाई की मार सबसे अधिक किस पे पड़ती है, महिलाओं पे पड़ती है, जैसे चलाती उस पर चलती है, तो जी उस पर राइट टू एजुकेशन था, राजस्थान हमने कर दिया है सभी सरकारी स्कूल में, 12वीं तक की परीक्षा जो है पास होगी स्कूलों में, उसको सरकार पूरी तरह से फ्री करेगी। उड़ान योजना आपने देखा, जो आप खुद जो आपने नैपकिन काम ले रही है, 12 नैपकिन बांट रही है, मैं चाहूंगा धीरे धीरे ये काम जो राजीव को मिला है, अभी लिमिटेड मिला है, हम चाहेंगे धीरे धीरे, ये महिलाओं का काम है और बहुत क्रांतिकारी काम है, 600 करोड़ रुपए रखे हमने इसके अलग से, गांव में महिलाएं संपूर्ण बोलती नहीं थी और बीमार पड़ती थी, बार बार इंफेक्शन होते थे, बच्चे पैदा नहीं होते थे, कई महिलाओं के कैंसर रहते थे, अब आपको नैपकिन मिलने लगे हैं, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम है और मैं चाहूंगा धीरे धीरे पूरा जो बनाने का काम है राजीविका के माध्यम से हो, नमकीन बनाने का काम, तो आप संभालो, आप ही बनाओ, आप ही बांटो, ये काम है आपको शुभित करना चाहता हूँ राजस्थान के अंदर। हमने साथ में आपके लिए रोडवे की बसों का किराया अदा कर दिया महिलाओं के लिए, और 1,35,00,000 हम लोग मोबाइल फोन स्मार्टफोन दे रहे हैं आपको, स्मार्टफोन हर महिला को दे रहे हैं, 1,35,00,000 स्मार्टफोन मोबाइल फोन, जिसमें 3 साल की इंटरनेट सुविधा फ्री होगी। पहले फेज में 40,00,000 महिलाओं को, जो विधवाएं हैं, जो स्टूडेंट पढ़ती है घरों के अंदर, उनको प्रायोरिटी दी गई है, मुझे खुशी हुआ। अभी बाहर स्टॉल के अंदर आप में से जो आजीविका की महिला थी, उनको जानकारी थी इस बात की, पहले फेज शुरू हो गया है, 40,00,000 मोबाइल फोन बटन लगे हैं, आपको जानकर खुशी होगी। 20 तारीख को, आज 18 तारीख हो गई, परसों से हम लोग कैंप लगा रहे हैं, जहाँ बाकी बची महिलाएं भी जो है गारंटी कार्ड लेगी वहां जाकर के, जैसे आपने महंगे शिविर में कार्ड लिए थे, गारंटी कार्ड लिए थे, 25,00,000 का बीमा लिया आप लोगों ने गारंटी कार्ड के रूप में, अन्नपूर्णा योजना लिया आपने, 10 गारंटी दी थी हमने, अब 1,000 गारंटी आपकी मिलने जा रही है, मोबाइल फोन की गारंटी 6,800 रुपए प्रति महिला को दिए जाएंगे मोबाइल फोन के लिए, और वो 20 तारीख को कैंप में जाके आप लोगों को नाम लिखवाना है। अब मैं राजीविका के बहनों से कहना चाहूंगा, जो राजस्थान भर में सुन रही उनको, इस काम को, क्योंकि 1,35,00,000 महिलाओं को टच करना हम लोगों को, कई महिलाओं को जानकारी होती नहीं है, राजीविका की बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आह्वान करूंगा, 2,50,000 बहनें जो बैठी सुन रही है हमें, आप कृपा करके अपने गांव में सब जगह जो महंगाई राहत शिविरों के तरह कैंप लग रहे हैं, या जाकर के आप मोबाइल फोन आपको मिले, उसकी गारंटी कार्ड मिलेगा आपको, गारंटी कार्ड मुख्यमंत्री के दस्तखत से मिलेगा, वो आपको उनको आप खुद भी ले लें
उनको दिलवाइए, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मेहंगेदास कैंपों में जो मैंने कहा आपको गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना आई थी, वो सिलेंडर 1150 का हो गया, बहुत महंगा हो गया। राजस्थान गवर्नमेंट एकमात्र गवर्नमेंट है देश के अंदर जहां पर आपको राजस्थान में 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने लग गया। राजस्थान के अंदर उज्ज्वला योजना वाली बहनों को उसमें कोई वंचित नहीं रह जाए, उसमें आप हेल्प कीजिए सरकार की। जो गाँव में कोई उज्ज्वला योजना है जानकारी नहीं, जानकारी दीजिएगा उनको और उनको बताइएगा 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिला है, उनका लाभ आप उठाए। सरकारी नौकरियों में राजस्थान 30% का आरक्षण दिया गया है, ये आपको मालूम होगा। और मकान की खरीद फरोख्त होती है, बेचान होता है, अगर महिलाओं के नाम पे पति या कोई परिवार का मुखिया अगर अपने घर की महिला के नाम जो रजिस्ट्री करवाएगा उसको 1% छूट मिलेगी, ये हमने फैसला किया है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि फायदे बहुत सारे हैं, कुछ मैंने बताया आपको। एक फैसला अंत में बताना चाहूंगा और आपको, राजस्थान में जो है पुलिस थानों के अंदर वैसे तो सुरक्षा सखी को मालूम होगा, पहले कई लोगों की फरियाद लिखी नहीं जाती थी, वो लोग दुखी होगी महिलाएं वापस आ जाती थी। अब हमने कंपनी कर दिया थानों के अंदर, कोई भी जाएगा फरियादी उनको FIR लॉन्च करनी पड़ेगी थाने के अंदर। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत क्रांतिकारी कदम है, कोई थानेदार जो है अन्याय अत्याचार उत्पन्न हो गया महिला का हो गया, कोई घटना दुर्घटना हो गई, उसको FIR लॉन्च करनी पड़ेगी, नहीं करेगा तो खुद सस्पेंड हो जाएगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला हमने किया जिसका फायदा अधिक महिलाओं को मिल रहा है थाने के अंदर। इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा। अब बात ये अब मंत्री जी ने आपको कह दिया है कुछ घोषणा करेंगे, बिना ये घोषणा का पेपर ढूंढ रहे हैं मंत्री जी, घोषणा का पेपर ढूंढ रहे हैं कौन से, बड़ा इंटरेस्ट इनको, बड़ा इंटरेस्ट आता है काम करने में, बड़े ये खुद ही साधु संत की तरह आदमी है, ये महिलाओं की भावना समझते हैं। देखिए आप ये बातें इन्होंने बोली थी, मैं खुद बड़ा बड़ा बहुत ही भावुक हो गया कि मंत्री जी कितनी नॉलेज है कि महिलाओं में क्या बीतती थी। आज महिला घर से बाहर आई है, स्वयं सहायता समूह बैठती है, मीटिंग करती है, एक दूसरे का सुख दुख का साथी बनती है और एक दूसरे सुख को दुख को मारती भी है। जब महिला बैठती है घर में कोई तकलीफ है, सुख की बात है दुख की बात है, अन्य अपनी सहेलियों को सखियों कहेगी, उनका दुख हल्का हो जाता है। ये भावना व्यक्त करना बहुत बड़ी बात है जो मंत्री जी ने करी है। अभी अब जो है मंत्री जी मुझे बाबा कहते रहते हैं और हमने तय किया है आपके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ घोषणा मैं कर रहा हूं आपके लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घोषणा है। पहली घोषणा है जिसमें आपके जो मानदेय है उनको मैं 15% बढ़ाने की घोषणा करता हूं। दूसरा जो है अभी वर्तमान में कृषि व नॉन फार्मिंग सेक्टर में मुर्गी पालन आदि में ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध हो रहा है। अब मैं आजीविका ऋण योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। तीसरा अभी बहन आई थी, स्कूटी मिल रही है, स्कूटी खरीद रही वो और बताया गया उनको 11% की बजाय 2.5% ब्याज लगेगा, उनको लोन देगा वो स्कूटी 50,000 की होगी, 60,000 की होगी, 80,000 की होगी तो ब्याज लगेगा 2.5%। मैं आप लोगों का जो प्रोग्राम देख रहा हूँ, आप मेरे उत्साह है उसको देखते हुए मैं अभी अभी दिमाग में मेरा आया है, कल रात को मैंने बात भी करी थी, चर्चा करी थी। अब मैं क्या कहना चाहूंगा कि आपका स्कूटी का जो ब्याज है वो 0 होगा, 1% नहीं लगेगा, 2.5% नहीं लगेगा, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ। जो स्कूटी खरीदना चाहे बहने हमारी, स्कूटी खरीदो
बिना ब्याज के पैसा मिलेगा आपको, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ आप पर। चौथी घोषणा है जो मैं पूछ रहा हूँ पहले सैनिटरी नैपकिन की, सैनिटरी नैपकिन जो है पूरी पूरी सप्लाई जो है आने वाले वक्त में चरणबद्ध रूप से राजीविका की जो स्वयं सहायता समूह है वही बनाएगी वही बांटेगी, ये व्यवस्था लागू होगी राजस्थान के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूँ। पांचवी घोषणा है जो मंत्री जी इशारा कर दिया आपको और जो बहुत ही पॉपुलर योजना हुई है, इंदिरा गांधी महान नेता थी देश की, एक महिला थी, 17 साल से राज किया, 16 साल से राज किया देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में, बड़े बड़े फैसले किए, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का उदय कर दिया, उनको राहत मिल गई, आजाद हुए वो लोग, खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को टूटने नहीं दिया, पर उनकी खुद की जान चली गई, उनके सीने छलनी कर दिया आतंकवादियों ने, आतंकवादी थे जो सुरक्षाकर्मी थे, उनकी जान चली गई, फरवाने की जान गई, पर देश को एक अखंड रखा। उनके नाम का हम लोगों ने इंदिरा रसोई चला रहे हैं, हम लोग 8 रुपए में खाना दे रहे हैं शहरों के अंदर। अब मैंने घोषणा की बजट के अंदर गांवों के अंदर भी 8 रुपए में भोजन मिलेगा इंदिरा रसोई के हिसाब से, तो फैसला डिपार्टमेंट ने किया है, मैं चाहूंगा उस काम को आप संभालें अन्य गांवों के साथ में, और आप लोग जैसे शहरों में लोग एनजीओ वाले करते हैं उसी प्रकार से तमाम राजीविका की बहनें हमारी 1000 इंदिरा रसोई की व्यवस्था करेगी चलाएगी, ये मैं आपको कहना चाहूंगा, उसी मैं घोषणा कर रहा हूँ, आपके माध्यम से चलेगी ये बहुत पॉपुलर योजना है, गांव में मजदूर है, गरीब है, छात्र है, कोई भी है, घर पे तकलीफ है, उसको खाना नहीं बना पा रहा है, कोई भी जगह गर्म खाना बेटा के खाना खिलाने की व्यवस्था है, मैं खुद 2-3 जगह जाके खाना खा के आया हूँ, इतना अच्छा खाना मिलता है, अच्छे बर्तन में अंदर मिलता है, बेटा के खिलाते हैं वहां पर, मैं चाहूंगा कि इस योजना को आप कामयाब करें और योजना का प्रबंधन भी आप अपने हाथ में ले लें। और छठी योजना है स्मार्टफोन, मैंने कह दिया पहले आपको, जो बहने जो है 1,35,00,000 है, मैं आपसे सहयोग चाहूंगा, जो मुझे सुन रहे पूरे प्रदेश के अंदर तमाम बहनों को मैं कहना चाहूंगा, गारंटी कार्ड मिलने शुरू हो रहे हैं 40,00,000 लोगों को, तो अभी टेलीफोन मिलना शुरू हो गया है मोबाइल फोन, जो सेकंड फेज में आएंगे महिलाएं उनके लिए गारंटी लेना जरूरी होगा, 20 तारीख से वो गारंटी कैंप में जाए, गारंटी कार्ड ले ले, जिससे कि जब अगला चयन शुरू होगा तब उनको आसानी हो जाएगी, टेलीफोन मोबाइल फोन को मिलेगा, कोई गारंटी कार्ड आपको मिल जाएगा 20 तारीख से, उसके लिए आप जाके जरा पर्चा वगैरह कर दीजिए वहां पर। मेन बात तो यही थी, बाकी तो लर्निंग की बात, स्मार्टफोन के लर्निंग की बात है, उसका अपना महत्व है, और राजीविका की जो प्रशिक्षित कैडर है डिजिटल सखी वो अच्छा काम कर सकती है उसके अंदर, लीडरशिप बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि तमाम जो घोषणा हुई है वो तमाम आपको मैं समझता हूँ मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी बधाई आपको है, शानदार काम आप कर रहे हैं और मैं बहुत प्रभावित हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त के अंदर, कल से मैंने कहना शुरू कर दिया, अभी तो मंत्री जी ने कहा कि हम ये मुख्यमंत्री कहते हैं आप मांगते मांगते थक जाओगे, और मैं देते देते नहीं थकूंगा, कल से मैंने तय कर लिया है कि अब तो चुनाव आ गए हैं, चुनाव में कोई घोषणा कर नहीं सकते हैं, अब मैं सोच रहा हूँ गारंटी देना शुरू कर दो आगे के लिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगली बार बजट पेश करेंगे तो शानदार योजनाएं आपके लिए लेके आएंगे, ये मैं गारंटी देना चाहता हूँ आप सबको। मेरा यही बात कहता हूँ मैं आपको, बधाई आपके आपके पतिदेव को, पूरे परिवार को मेरी बहुत शुभकामनाएं, पूरा परिवार मजबूत रहे, सुखी रहे, स्मृतिशाली बने और
समाज सेवा करे, ये बात करता हूँ। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। क्या तुम तक राहत पहुंची, क्या तुम तक सुविधा पहुंची, जरा गौर करो, ऐलान करो, हो सबको ये पहचान। हुआ है काम क्या, लिया कोई दाम क्या, हुआ है काम क्या, लिया कोई दाम क्या, ना कोई रहे अनजान। क्या तुम तक राहत पहुंची, क्या तुम तक सुविधा पहुंची, जरा गौर करो, ऐलान करो, हो सबको यह पहचान।